गुरुग्राम लोकसभा सीट से जेजेपी के प्रत्याशी राहुल फजलपुरिया ने नूह जिले का दौरा किया। सबसे पहले नूह नई अनाज मंडी में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने बटकाली, फिरोजपुर, झिरका, पिनगांव, पुनाहाना में कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। लोगों को संबोधित करते हुए राहुल यादव फजलपुरिया ने कहा है कि NCR में शामिल और देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर दूरी पर बसा नूह आज भी विकास में कोसों दूर है। देश में राज करने वाली कांग्रेस और बीजेपी सरकार ने मेवात के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक क्षेत्र के सांसद ने भी मेवात में कोई काम नहीं किया। नूह अलवर हाईवे को 4 लेन बनाने में अनदेखी करने के साथ कोई काम नहीं हुआ। यहां के लोगों से झूठ बोले और सिर्फ वोट हत्याने का काम हुआ। राहुल फजलपुरिया ने कहा है कि अगर मेवात की आवाम ने उनका साथ दिया और अपना सांसद बनाया तो वह नूह अलवर हाईवे 4 लेन बनेगा, यूनिवर्सिटी भी बनवाएंगे और मेवात में रेल की सीट भी बचेगी। मुकाबला तो काम करने का है, मुकाबला तो काम करके दिखाएंगे कि किसका है। तो एक ही बात कहना चाहूंगा, तो जनता के हाथ में है कि आप कभी कहीं गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप अच्छी गाड़ी खरीदने पसंद करोगे। तो आपके सामने एक ऐसा युवा जवान खड़ा है जो पूरे लोकसभा में भाग भाग के काम करेगा, और दो ऐसी पुरानी बुढ़ी गाड़ी है जिनका ये नहीं पता कि कहां जाके बंद हो जाएगी। आप लोगों के हाथ में है, अब जोर से गाड़ी चलाना पसंद कर। 70 साल हो गए देश को आजाद हुए और नूह मेवात रंगवा यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आजाद नहीं, आज भी हम किसी के नीचे दबे हुए। यहाँ पे आज सबसे मैं कहूंगा बेसिक चीज होती है रोड, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, ये ही नहीं है। यूनिवर्सिटीज, रेल की सीट बता के गए हैं पिछले 20-30 साल से कह रहे बजेगी, लेकिन आज तक गुड़गांव की भी नहीं आई है यहाँ तो आवाज। मैं तो कहना चाहूंगा पहले वो जो योजनाएं जो उन्होंने बनाई, जो घोषणाएं करी है उनके, जो 20-30 साल से यहाँ पे पागल बना के रखा है जनता को, पहले तो वो देंगे जो आम चीज आम आदमी के पास होनी चाहिए।